तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच फोर्थ T20 मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैच हो चुके हैं, तीन में से दो मैच जीती है वेस्ट इंडीज, तो एक मैच में जीत मिली है टीम इंडिया को। बट वो तीनों मैच थे वेस्ट इंडीज की पिच पे। आज जो मैच होगा फोर्थ T20 ये होगा फ्लोरिडा के पिच पे जो कि यूएस में है, और इस पिच में रन बनते नहीं रन बहते हैं, हाई स्कोरिंग गेम होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया और वेस्ट इंडीज यहाँ पे खेले थे तो लगभग 240 रन का टारगेट यहाँ पे टीम इंडिया को मिला था, और 240 रन मात्र वो मैच जो था टीम इंडिया मात्र दो या तीन रन से हार गई थी। बहुत ही बड़ा स्कोर, हाई स्कोरिंग गेम हुआ था, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी हाई स्कोरिंग हो जाए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मैच विनर कौन होगा, टॉस विनर कौन होगा, मैच का सारा प्रिडिक्शन, और साथ ही टॉप परफॉर्मर, पिच रिपोर्टर, सारे मैच की इन्फॉर्मेशन, सारे मैच का प्रिडिक्शन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन यदि आपने तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी मैच में जैकपॉट एंट्री सेशन और साथ ही द 100 बॉल लंका प्रीमियर लीग सभी के टॉस मैच और सेशन के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेडिक्शन मिलते रहे तो प्रिंस भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रिंस भाई आपको व्हाट्सएप के माध्यम से काफी अच्छे प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिनका नंबर आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रखा हूं, और स्क्रीन पर भी इनका नंबर आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं डेट की, तो 12 अगस्त और दिन आज का शनिवार, लकी नंबर 3 और स्वामी आज का शनि। इंडिया की बात करते हैं, शुक्र स्वामी पॉजिटिव पॉइंट, लकी नंबर इंडिया का 3 है और आज का भी लकी नंबर 3 है, तो इंडिया को अगेन पॉजिटिव पॉइंट। कप्तान हार्दिक पांड्या का जो स्वामी है चंद्रमा स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट, और हार्दिक का लकी नंबर 2 है नेगेटिव पॉइंट। टीम इंडिया को आउट ऑफ 4 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। यदि बात करते हैं वेस्टइंडीज की, तो वेस्टइंडीज का शुक्र स्वामी पॉजिटिव पॉइंट लकी नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट, रोमन पॉल लकी नंबर स्वामी शुक्र लकी नंबर 5, तो रोमन पॉल स्वामी का भी पॉजिटिव पॉइंट और लकी नंबर का भी पॉजिटिव पॉइंट। यानी वेस्टइंडीज को भी चार में से तीन पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट। यदि बात करते हैं टॉस विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में आपको टीम इंडिया टॉस जीतते हुए दिखाई दे सकती है। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, फ्लोरिडा की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो यहाँ बैटिंग फर्स्ट जो टीम करती है अधिकतर मैचेस को जीत जाती है। मैच यहाँ पे डिफेंड होने के पूरे आसार रहते हैं। 164 का एवरेज स्कोर है, बट 245 यहाँ का हाई स्कोर है। मैं जो मैच की पहले बात किया था वही मैच है जहाँ वेस्ट इंडीज ने 245 मारी थी और टीम इंडिया ने 241 समथिंग कुछ रन बनाए थे, मतलब काफी ज्यादा रन वहां पे बने हुए थे। यदि बात करते हैं दोस्तों हम आगे इस मैच में रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं पिछले तीन मैचेस की बात करते हैं, यहाँ पे तीन में से दोस्तों जो मैच हुए हैं जहाँ पे कि वेस्ट इंडीज ने 2 मैच जीते हैं और इंडिया ने 1 मैच जीता है। यदि बात करते हैं दोस्तों हम टॉप परफॉर्मर की, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज के हिसाब से रोमन पॉवेल, ब्रेंडन किंग, ये 2 रहेंगे टॉप परफॉर्मर। निकोलस पुरन को भी हम वहां पे ऐड कर सकते हैं, और टीम इंडिया में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव, ये 6 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यदि बात करते हैं मैच विनर की, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि आपने अब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए द 100, और यहाँ पे LPL की प्रेडिक्शन भी आपको मिल जाएगी। मैच बात करते हैं मैच विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में आपको टीम इंडिया विन करते हुए दिखाई देने वाली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिच अलग है, फ्लोरिडा के पिच है, तो यहाँ पे टीम इंडिया आसानी से इस मैच को जीत जाएगी। तो बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।